بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بزرگ اور دوستو گزشتہ جمعہ میں وضو کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی وضو میں چار چیزیں فرض ہے چہرہ دھونا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا اور سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرنا اور دونوں پاؤں تخنوں سمیت دھونا یہ چار چیزیں وضو میں فرض ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فاغسلوا وجوهكم اپنے چہروں کو دھو وأيديكم اور اپنے ہاتھوں کو دھو إلى المرافق کہنیوں تک یعنی کہانیاں دھونے میں آ جانی چاہیے فامسحوا برؤوسکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو تخنوں سمیت دھو مسا کے بعد پاؤں کے دھونے کا تذکرہ آیا جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ پاؤں کو دھونا ضروری نہیں پاؤں کا مسا کرنا ضروری ہے امسحو رؤوسکم و ایدیکم تو رؤوس کے بعد ایدیکم ہے یعنی ہاتھوں کا تذکرہ ہے پاؤں کا تذکرہ ہے اس لیے بعض لوگوں نے یوں سمجھا کہ پاؤں پر مسا کر لینا کافی ہے یہ جو آیت ہے نا اس آیت سے اس آیت سے وضو کے جو اعضاء ہے ان اعضاء کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کا حکم معلوم ہوتا ہے فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين تو چونکہ مسا کے بعد پاؤں کا تذکرہ آیا ہے اس لیے بعضوں نے یوں سمجھا کہ پاؤں کے اوپر مسا کر لینا کافی ہے شیعوں میں ایک فرقہ ہے امامیہ اس فرقے کا یہ خیال ہے کہ پاؤں پر مسا کرنا چاہیے پاؤں کو دھونا ضروری نہیں اور ابو علی جبائی اور داؤد ظاہری ان دونوں بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ پاؤں پر مسا کرنا چاہیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاؤں کے دھونے کا انکار کرنا
ये अजला बदीहात का इनकार है। ये ऐसा ही है जैसे कोई गज़वे बदर का इनकार करे, जैसे कोई गज़वे उहुद का इनकार करे कि गज़वे बदर का होना और गज़वे उहुद का होना ये तवातुर के साथ साबित है। तवातुर किसे कहते हैं? मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात किसी वाकये को जिक्र करे, उन्होंने जिन लोगों के सामने जिक्र किया वो दूसरों के सामने जिक्र करे, और ये जिक्र करने वाली जमात इतनी बड़ी हो कि उनका झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल हो, नामुमकिन हो, तो जब बहुत सारे लोग किसी बात को जिक्र करने वाले हों तो उस वक्त कहा जाएगा कि ये बात तवातुर से साबित है। तो गज़वे उहुद का वाकिया, गज़वे बदर का वाकिया तवातुर से साबित है। कोई गज़वे उहुद का इनकार करे, कोई गज़वे बदर का इनकार करे, तो पांव के धोने का इनकार करने वाला ऐसा ही है जैसे कोई इन गज़वात का इनकार करे। हाँ, बाज़ उलमा ने यूं कहा है कि पहले पांव धो ले और पांव के धोने के बाद वुजू करे, जब वुजू करते करते फिर पांव पर पहुंचे तो चूंकि पांव पहले धो चुका है इसलिए पांव का मसा कर ले। लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि तरतीब बाकी नहीं रहती। जिस तरतीब से कुरान में बयान फरमाया है वो तरतीब बाकी नहीं रहती। इसलिए जो है पांव के धोने का हुक्म दिया गया है, अगरचे उसका तस्किरा जो है मता के बाद है। असल में फक्सिलु वुजूहकुम में वुजूह के है पर जबर है, व ऐदियकुम, ऐदी ये यदुन की जमा है, उसके या के ऊपर जबर है, और जो मफ़ऊल होता है उस पर जबर होता है। ममसहु बिरुऊसिकुम में सीन जो है रुऊस का, उसके नीचे ज़ेर है। अब अर्जुलकुम के लाम के ऊपर जबर है, तो ये अर्जुल का ताल्लुक ऐदी से है। और मसा के बाद पांव का तज़किरा इसलिए फरमाया कि अरब में पानी की बड़ी किल्लत थी, और चूंकि उस जमाने में लोग नंगे पैर ज्यादा चला करते थे और जितनी भी गंदगियां होती है वो ज्यादातर पांव में लगती है, तो पांव के धोने के लिए पूरा एक लोटा चाहिए। तो अगर सीधे ही धोने का हुक्म दे देते तो उनके ऊपर मशक्कत पड़ जाती और वो उसके धोने में ये ख्याल करते कि बड़ी मशक्कत है, तो उसको हल्का करने के लिए ताबीर इख्तियार की गई। और ये बताया गया कि बहुत ज्यादा पांव का धोना जरूरी नहीं, हल्का सा धो लोगे तब भी काम चल जाएगा। रिवायतों में आता है कि आदमी जब बेदार हो और उसे वुजू करना हो तो सीधे बर्तन में हाथ न डाले, बल्कि अपने दोनों हाथों को पहले धो ले और धोने के बाद बर्तन में हाथ डाले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लंबे वक्त तक हाथ को धोया नहीं, तो लंबे वक्त तक हाथ को न धोने की वजह से बहुत मुमकिन है कि हाथ में कोई मैल कुचैल आ गया हो, हाथ किसी गंदी जगह पर पहुंच गया हो और वो गंदगी हाथ पर पहुंच गई। जब बर्तन में हाथ डाला जाएगा तो अगर हाथ गंदी जगह पर पहुंचा है और गंदगी हाथ के साथ लग गई है तो पानी गंदा हो जाएगा। मैल कुचैल हाथ के ऊपर लगा है तो पानी गदला हो जाएगा। इसी वजह से मशरूबात में फूंक मारने से मना किया गया।
पानी है, चाय है, कोई पीने की चीज है, गर्म चीज है या ठंडी चीज है, उस पर थूक मारने से मना किया कि थूक उड़कर अंदर न चला जाए कि जिससे वो मशरूब गदला हो जाए। ये तहकीक तो बाद में हुई कि आदमी जब फूंक मारता है तो जो जरासीम होते हैं वो उड़ के उस चीज में पड़ जाते हैं जो बीमारी का सबब बनते हैं। ये तो साइंसदानों ने बाद में बताया, और नबी की एक एक अदा में कई कई हिकमतें होती हैं। तो इसी वजह से कि वो पानी, वो पीने की चीज गदली ना हो जाए, फिर दोनों हाथ जो हैं धोए। हदीस में आता है कि मैं कोई ऐसा वुजू नहीं जानता, रावी कहता है, कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्ली न की हो और नाक में पानी न चलाया। ऐसी कोई हदीस में नहीं जानता, ऐसी कोई बात नहीं जानता कि आपने वुजू किया और कुल्ली न की हो और नाक में पानी न चलाया। कुल्ली वुजू में क्यों की जाती है? बदन के शिकमों में से, बदन के सुराखों में से एक सुराख मुंह का भी है और एक सुराख नाक का भी है। इन सुराखों में पानी पहुंचाना और सुराखों को साफ करना ये शाइस्तगी और फितरत में से। और दूसरा इस वजह से कि मुंह के और नाक के धोने का वक्त बयान करना है। जैसे गुदिस्ता में अर्ज किया था कि नाखून 15 दिन में काट लिए जाए, ये वक्त मुतय्यन किया कि 15 दिन में एक मर्तबा नाखून काट लेने चाहिए। जेरे नाक बाल को और बगल के बालों को 15 दिन के बाद साफ कर लेना चाहिए और 40 दिन से ज्यादा उसको बाकी रखना मकरूह है, तहरीमी है। तो जैसे उसका वक्त बयान फरमाया, मुंह के धोने का भी वक्त बयान फरमाया कि जब जब वुजू करेगा तो उस वक्त वो मुंह को धोएगा। तो तौकीद के लिए अब दूसरी हिकमत यही है कि जो मुंह के सुराख हैं उन सुराखों का साफ करना ये इंसानी फितरत में से है, लिहाजा जब जब भी वुजू करे मुंह और नाक को साफ करे। नाक में पानी चढ़ाना है, फिर नाक को झाड़ना है। सीधे हाथ से पानी चलाएगा और उल्टे हाथ से नाक को झाड़ेगा। एक हदीस सुनाओ, हदीस में आता है, अबू हुरैरा रावी है, कि जब आदमी सोकर उठे और उसे वुजू करना हो तो वुजू में नाक को झाड़े, इसलिए कि शैतान उसके नाक पर शब्बासी करता है, नाक के बासे पर रात गुजारता है। इस हदीस में हकीकत बयान नहीं फरमाई गई, तमसील बयान फरमाई गई। वजह यह है कि नाक में रीत वगैरह जमा होता रहता है, इसलिए जब जब वुजू करेगा तो नाक को झाड़ेगा। लेकिन क्योंकि रात में बहुत ज्यादा मुमकिन है कि वो जमा हो जाए और सूख जाए, और सूखने की वजह से जब वो कुरान करीम की तिलावत करेगा नमाज में तो तिलावत का जो मफहूम है उसको समझने से वो कासिर रहे। ये बात आप याद रखिए, नाक में जितना मवाद जमा रहेगा इतना ही वो शख्स कुंद जहन बनता चला जाएगा। सुबह में किरात लंबी करने का हुक्म है और ये कुरान में है,
اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. فجر کا قرآن فرشتوں کے روبرو ہوتا ہے. فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ 7 آیتیں پڑھے, چھوٹی ہو یا بڑی, 7 آیتیں پڑھے اور کم سے کم 40 آیتیں پڑھے. اور ضروری نہیں کہ آخری پاروں میں سے پڑھے, کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے. تو صبح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کے سمجھنے میں دقت پیدا ہوگی, اس لیے جب وہ رات میں سو کر اٹھے تو اٹھنے کے بعد وہ ناک کو جھاڑے, اس لیے کہ شیطان نے ناک کے باچے پر سباسی کی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ غلیظ مواد جو اس میں جمع ہو چکا ہے اس کو صاف کر دے تاکہ قرآن کے سمجھنے میں آسانی رہے. جب قرآن کے سمجھنے کے لیے اتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ناک میں جو غلیظ مواد جمع ہو جاتا ہے رات میں اس کو صاف کرنے کا حکم دیا, تو پھر نماز کو فجر کی کتنی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ وہ تو فرض ہے. اور یہ دو مستقل طہارتیں ہیں, کلی کرنا اور ناک میں پانی چلا کر ناک کو جھاڑنا, یہ دو مستقل طہارتیں ہیں اور مستقل عبادتیں ہیں. پھر یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ جب کلی کے لیے پانی لے گا تو اسی پانی سے ناک میں چرائے گا اور ناک جھاڑے گا, یا ناک کے جھاڑنے کے لیے الگ سے پانی لے گا. حنفیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ پانی لے گا, اور ہمارا عمل بھی اسی پر ہے. ہم کلی کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور ناک میں پانی چرا کر پھر ناک صاف کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ پانی لیتے ہیں. دونوں کے پاس روایتیں ہیں, لیکن شافعیہ جس روایت سے استدلال کرتے ہیں وہ متفق علیہ روایت ہے, لیکن اس روایت کے اندر علت ہے کہ جنہوں نے دونوں کو ایک ہی پانی سے کرنے کا ذکر فرمایا ہے ان کے دوسرے ساتھی اس کو ذکر نہیں فرماتے. استاد سے جب ایک بات سنی ہے تو بہت سارے لوگوں نے سنی ہے, ان میں سے ایک ہی شخص یہ بات ذکر کرتا ہے کہ دونوں ایک ہی پانی سے کی جائے گی, جبکہ دوسرے اس کو ذکر نہیں کرتے. پتہ یہ چلا کہ انہوں نے یہ چیز اپنی طرف سے بنائی. وضو کے آداب ہیں. ادب کس کو کہتے ہیں؟ شائستگی کو. ایسا کام کرنا جس پر تعریف کی جائے, قابل تعریف عمل کو ادب کہا جاتا ہے. اور وضو میں جو آداب ہے وہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر طے کیے گئے. اعضائے وضو میں جو سوراخ ہے ان تک پانی پہنچانا, اور یہ خصوصی توجہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا, یعنی وہاں تک پانی پہنچانے کے لیے خصوصی توجہ چاہیے. ذہن وہاں پر ہمارا ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر پانی پہنچانا ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہم وضو بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. علامہ شامی رحمتہ اللہ علیہ نے شامی میں, یہ جو ممبر کا پہلا زینہ ہے, 6-7 سال پہلے یہاں پر شامی میں نے رکھی تھی, اور فجر کی نماز کے بعد میں نے مطالعہ کیا تھا, عربی میں ہے, اور اس میں لکھا ہے, اس وقت سے مجھے یاد ہے 7-8 سال ہو گئے, علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے 8 موقعوں پر سلام کرنے سے منع کیا ہے. کتنے موقع پر؟ 8, جس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ وضو کر رہا ہو تو اس وقت وضو کرنے والے کو سلام نہ کرو. اب اندازہ لگاؤ کہ سلام کرنے سے منع کیا ہے, تو پھر دنیا کی بات ہے, ہم اس کو کس زمرے میں رکھیں گے؟
आपको बात समझ में आ रही है? सलाम से मना कर दिया तो फिर दूसरी बात को किस खाने में रखेंगे? वुजू मुस्तकिल इबादत है। तो चार चीजों को सामने रखकर वुजू के आदाब बयान फरमाए, जिसमें पहली चीज ये है कि आजाए वुजू में जो सुराख है उन सुराखों तक पानी पहुंचाना, और ये खुसूसी तवज्जो के बगैर नहीं हो सकता। उसके पेश नजर छह चीजों को बयान फरमाया है। कुल्ली करना, नाक में पानी चलाकर नाक को झाड़ना, हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, पांव की उंगलियों का खिलाल करना, दाढ़ी का खिलाल करना, और हाथ में अंगूठी पहन रखी है तो अंगूठी को हिलाकर उसके नीचे के हिस्से तक पानी पहुंचाना। अब इन चीजों में अगर खुश्क रह जाएगा तो हमने तवज्जो से उंगलियों का खिलाल किया है तो उस जगह तक पानी पहुंच जाएगा। यह पहली चीज हुई। दूसरी चीज, पाकी का एहतमाम करना। इस दूसरी चीज की वजह से पांच चीजें अदब में बयान फरमाई गई। आजाए वुजू को तीन तीन मरतबा धोना। आपको याद होना चाहिए कि आजाए वुजू को एक मरतबा धोना फर्ज है, लेकिन तीन मरतबा धोना ये अदब में से है, सुन्नत है। तो आजाए वुजू को तीन मरतबा धोना। दूसरा, जितना धोने का कहा गया है उससे ज्यादा धोना। चेहरा है तो सिर्फ चेहरा नहीं, उससे जरा आगे बढ़ो, दोनों हाथ कोहनियों तक नहीं, कोहनियों से ऊपर तक धो, दोनों पांव तखनों तक नहीं, तखनों से ऊपर तक धो। वो अबू हुरैरा की रिवायत गुज़िश्ता में जिक्र की थी, ये पांव के जेवर हैं, जो जितना जेवर पहनना चाहता है वो इतना उसमें मुबालगा करे। तीसरी चीज, आजा को रगड़ना। सिर्फ पानी बहाना नहीं है, धोना है। बहाने का हुक्म नहीं दिया, फगसिलू धोने का हुक्म दिया है। चूंकि हम कुरान से बहुत दूर निकल गए, कुरान को समझना छोड़ दिया। एक जगह का वाकया बताता हूं, नाम तो नहीं लेता। एक मस्जिद में, मस्जिद के मेहराब के पास कुरान की तफसीर हो रही है और मेहराब से बाहर फजाइल आमाल पढ़ी जा रही है, और लोगों का इख्तलाफ है कि फजाइल आमाल जरूरी है। वो मखलूक की किताब ही है, खालिक की किताब। तो मखलूक की किताब पे इतनी अहमियत देते हो कि खालिक की किताब को पसे पुत डाल रहे, वो भी जरूरी है, लेकिन ये कुरान है। दुनिया की असह तरीन किताब बुखारी शरीफ भी जिसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये हमारी सोच है जिसको बदलने की जरूरत है कि कुरान कुरान है, ये किताबुल्ला है, ये कलामुल्ला है। तो फरमाया फगसिलु, उसको धो, बहाने का हुक्म नहीं दिया, हाथ मलो और उसको रगड़ो। चौथी चीज, सर का पूरा मसा करो और साथ में कान का मसा करो, और वुजू पुराना हो जाए तो नई नमाज के लिए नया वुजू करो। ये भी अदब में से है। उलमा ने लिखा है कि एक वुजू से कोई भी नेक अमल नहीं किया। आदमी ने वुजू किया, उसने ना कुरान की तिलावत की, ना दो रकात नमाज पढ़ी, उसके लिए अब दूसरा वुजू करना दुरुस्त नहीं, जब तक के पहले वुजू से वो कोई नेक अमल न कर ले। लेकिन एक वुजू से एक नमाज पढ़ ली है और उसके पास वक्त है, वो आसानी के साथ दूसरा वुजू कर सकता है, तो अदब ये है कि वो दूसरा वुजू करे, ताजा वुजू करे नई नमाज के लिए। वुजू पुराना कब हो जाता है? उससे एक नमाज पढ़ ली, अब नया वुजू करे, वो भी इबादत है। एक रात में कई मरतबा अबू हुरैरा का वुजू टूटा, आपने कई मरतबा वुजू किया। जो बावजू रहेगा रोजी उसके पास आएगी, बावजू जो रहेगा रोजी उसके पास आएगी। तीसरी चीज, इस्लामी उर्फ और आदाब का लिहाज रखना। दो चीजें बयान फरमाई,
पहली चीज के मातहत 6 चीजें, दूसरी चीज के मातहत 5 चीजें, अब तीसरी चीज इस्लामी उर्फ और आदाब का लिहाज रखना। और इस्लामी उर्फ और आदाब ये हैं कि हर अच्छा काम सीधे हाथ से किया जाता है, इसलिए कि वो आला है, वो अकवा है। इसलिए वुजू में दाहिने हाथ को, सीधे हाथ को पहले धोया जाएगा, दाहिने पांव को, सीधे पांव को पहले धोया जाएगा। ये शरीयत का मिजाज है। मस्जिद में आना है तो सीधे पांव से, बैतुल खला में जाना है तो सीधे पांव से, तो सीधे पांव को एक शर्त हासिल है, इसलिए इस्लामी उर्फ और आदाब का लिहाज किया जाए। और चौथी चीज नियत करना है, बगैर नियत के सवाब नहीं मिलता। आपने वुजू किया, आपकी कोई नियत ही नहीं है, तो वुजू तो हो जाएगा लेकिन वुजू का सवाब नहीं मिलेगा कि नियत ही नहीं की। अल्लाह ताला ये बातें समझा दे। तो वुजू एक मुस्तकिल इबादत है, उसके लिए नियत होनी चाहिए। और नियत के लिए ये बात बताया कि आदमी जुबान से नियत करे ताकि दिल और जुबान इन दोनों की बातें हम आहंग हो जाए, यानी दिल की नियत के साथ जुबान की नियत भी मिल जाए। इसलिए जब आप वुजू के लिए बैठे तो कम से कम बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए, यही आपकी नियत हुई। जैसे आदमी एहराम पहनता है और एहराम पहनने के बाद वो महरम नहीं बन जाता जब तक कि वो तलबिया ना पड़े, जैसे ही तलबिया पड़ेगा तो वो अब महरम बन गया, अब एहराम के शराइत को पूरा करना उसके लिए जरूरी हो गया। जब तक अल्लाहु अकबर नहीं कहेगा वो नमाज के हुक्म में नहीं है, उसकी नमाज अभी शुरू नहीं हुई। लेकिन जैसे तकबीर तहरीमा कहता है, अब ये तकबीर तहरीमा ने बहुत सी हलाल चीजों को उसके लिए हराम कर दिया। ऐसे ही वुजू बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहकर आपने वुजू शुरू किया तो ये बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना, यही जो है आपकी नियत है कि दिल की बात और जुबान दोनों हम आहंग हो गए, और दिल की बात पर तर्जमानी जुबान ने की कि मैं वुजू कर रहा हूं और अल्लाह के नाम से उसको शुरू करता। वुजू के बाद दुआ पढ़ी जाती है, तो दुआ क्या है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मुस्लिम की रिवायत में है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और तिर्मिजी की रिवायत में है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तौबाबीन व जअलनी मिनल मुतातहिरीन। उसकी फजीलत क्या बयान फरमाई? जो वुजू के बाद ये दुआ पढ़ेगा, जन्नत की आंखों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे कि वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में चला जाए। इतनी बड़ी फजीलत। एक बीच में बात बताऊं, बाद लोग यूं उंगली उठाते हैं और फिर दुआ पढ़ते हैं, आपने देखा होगा, ये बिदत है, उंगली उठाने का सबूत नहीं है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतातहिरीन व जअलनी मिन इबादिकस सालिहीन। दुआएं मसनूना में नहीं है, बुजुर्गों का बराया हुआ। तो जन्नत की आंखों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। उसकी हिकमत क्या है वो बयान फरमा दूं। वुजू में दो चीजें हैं, खूब पाकी हासिल करना और दुआ के जरिए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना। जो खूब पाकी हासिल करना है वो तो वुजू के जरिए हासिल हुई, और वुजू में आदमी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया और वुजू के बाद ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे हुआ, तो पाकी भी खूब हासिल की और अल्लाह की तरफ भी मुतवज्जे रहा, दोनों चीजें पाई गई। इन दोनों चीजों के मजमुए पर ये जो है बशारत सुनाई गई कि जन्नत के आंखों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।